एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अपूर्णा। आज इस संडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 10। तो कल जैसे कि मैं आप लोगों को बोला था कल के ब्लॉग में कि आज सुबह गेस्ट आने वाला है, तो इसीलिए मैं आटा वाटा गूंद के रख दिया था। तो गेस्ट आया था, एक्चुअली वो मेरे हस्बैंड का गेस्ट था, मतलब बिजनेस पर्पस में जो गेस्ट फ्रेंड होता है वही था। तो वो लोग आके मतलब मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना के दिया, तो वो लोग खाना वाना खा के चले गए हैं। तो अभी मैं जाऊंगी किचन में। किचन में मैं आज बनाऊंगी लंच, और आज संडे है तो स्पेशल लंच तो बनेगा ही। तो आज लंच में मैं पूरा बंगाली टाइप का रेसिपी बनाऊंगी, क्योंकि बंगाली हूँ तो बंगाली खाना तो अच्छा लगता ही है। तो यही, तो आज अभी तक मैंने शावर वावर कुछ नहीं लिया, क्योंकि नॉनवेज बनाऊंगी तो खाना बनाने के बाद ही मैं शावर लूंगी। तो चलिए अब चलती हूँ किचन की तरफ। तो मैं आ गई हूँ किचन में, अब स्टार्ट कर देती हूँ मैं कुकिंग करना। तो आज मैं बनाऊंगी फिश करी, और उसके साथ पुई शाक, फिश हेड के साथ पुई शाक बनाऊंगी। और फिश ऑयल लिया है, फिश का जो तेल होता है वो लिया है, तो उसके साथ एक पकौड़िया बनाऊंगी। यही प्लान है, और देखती हूँ आगे क्या करती हूँ। और घर से बहुत सारा आम हस्बैंड ने लेकर आया, मैंने दिखाया, पर उस आम का अभी तक मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तो अगर टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा चटनी बनाऊंगी, तो देखती हूँ क्या करती हूँ। तो चलिए पहले स्टार्ट कर देती हूँ कुकिंग। और मैं फिश वगैरह क्लीन करके रख दिया, और सब्जी वगैरह भी कट करके रख दिया, और मुझे थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा है मेरा हस्बैंड बाहर। तो चलिए मैं कुकिंग करते करते आप लोगों को दिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट कर देती हूँ मेरा कुकिंग। तो संडे का लंच में बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मैं फिश फ्राई कर रही हूँ, ये रोहू फिश। यहाँ पे मैं पुई शाक बना के रखी हूँ, तो पुई शाक में मैं फिश एक डालूंगी। और यहाँ पे है फिश फ्राई, और कुछ फिश यहाँ पे फ्राई हो रहा है। और यहाँ पे है फिश का ऑयल और फिश एग। यही फिश एग मैं पुई शाक में दूंगी, और इस ऑयल के साथ और अलग कुछ रेसिपी बनाऊंगी। तो देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। तो फिलहाल मेरा कुकिंग स्टार्ट हो गया। तो अब मैं फिश हेड दे दूंगी पुई शाक में। पुई शाक मैं पहले ही बना के रखी थी, और बाजार थोड़ा लेट आया, तो इसलिए फिश को अच्छी तरह से क्लीन करके उसके बाद फिश हेड को फ्राई किया, उसके बाद मैं पुई शाक में मिल रही हूँ। तो मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी, तो पक जाएगा फिश हेड पुई शाक के साथ। और यहाँ मेरा सारा फिश फ्राई हो गया, और इधर देखिए मुझे हेल्प कर रहा है मेरा हस्बैंड, सलाद बना रहा है। और ये सब्जी आज जो हस्बैंड ने लेकर आया, ये है डाब। डाब का पानी इस मौसम में खाना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम लोग तो रोज़ खाते हैं, तो बच्चे खा लिए। और ये है मेरा हस्बैंड का, और एक मेरा, ब्रेकफास्ट के बाद ही बच्चे खा लिया। और यहाँ पर नारियल को हस्बैंड ने कूट के रख दिया, तो नारियल से आज मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, कल कुछ स्पेशल रेसिपी बनाऊँगी, तो आज इतना टाइम नहीं होगा। तो यहाँ पे हस्बैंड बना रहा है सलाद, और ये सब्जी जो है मैं सेम प्रोसेस से मैं विनीगर के पानी में भिगो के रख दूंगी थोड़ी देर बाद। और उधर देखिए प्रियांशु का जो काम है, प्रियांशु वही कर रहा है, सोफा फोफा सब गंदा करके कुशन नीचे फेंक दिया, और वो साइकिलिंग कर रहा है विथ हेलमेट। बहुत अच्छा बच्चा है, अभी से खुद सेफ्टी किसे बोलता है इसे मालूम है। साइकिल बाइक चलती, साइकिल बाइक। और प्रियांशु को मैं नहा दिया, प्रियांशु का ब्रेकफास्ट भी हो गया। तो चलिए मैं कुकिंग कर लेती हूँ। अच्छा अच्छा, तुम्हें साइकिल बाइक चलाती हो। और मैंने अभी तक शावर नहीं लिया, क्योंकि नॉनवेज बनाऊंगी तो एकदम खाना बनाने के बाद ही मैं शावर लूंगी। है तो मेरा पुई शाक रेडी हो गया, अब मैं फिश करी बना लूंगी। Thank you.
मैं बनाऊंगी बंगाली स्टाइल माछेर झोल पटल कुमड़ो और आलूर साथे परवल कुमड़ा और आलू के साथ। तो पहले मैं ऑयल में जीरे का छौंक लगा दिया, अब मैं डाल दूंगी की है की होते ठीक है सब। और इधर देखिए आ गया प्रियांशु मुझे हेल्प करने के लिए। आड़ी मारबो किंतु मम्मा হাতে না হাতে না এরকম সবাই কিন্তু দেখে নিচ্ছে তুমি মামাকে এরকম ডিস্টার্ব করছো। ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও ওটা লং চোখে ঝাল লাগছে ওটা লঙ্কার ঝাল সরো और मैं तो नॉन स्टिक कढ़ाई में कुक नहीं करूंगी, मैं नॉन स्टिक पूरा एकदम हटा दिया किचन से, तो इसीलिए मुझे ये पुराना कढ़ाई में कुक करना पड़ रहा है। पर आज मैं कढ़ाई लाने के जाऊंगी तो आज मैं आयरन का कढ़ाई लूंगी। मैं बोला था आप लोगों से 3-4 दिन पहले का कोई एक ब्लॉग में, तो इसीलिए अभी तक मैं यही कुकर में सॉरी कढ़ाई में बना रही हूँ। और ये फिश करी है तो इसीलिए इसमें बना रही हूँ, वरना मैं जो अपने स्टील का जो स्टेनलेस स्टील का कुकर लिया उसमें ही बनाऊंगी मैंने सोचा था, पर फिश करी कुकर में अच्छा नहीं लगेगा तो इसीलिए मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। सब्जी मेरा फ्राई हो रहा है और यहाँ पे मैं मसाला बना लूँगी। मसाला के लिए मैं थोड़ा सा अदरक लिया हूँ, ऑनियन और ये दो नारियल लिया हूँ, कोकोनट 2-3 टुकड़ा कोकोनट, तो इसको अब मैं पेस्ट बना लूंगी। इससे जो झोल होगा ग्रेवी होगा उसका टेस्ट अच्छा आता है। और टमाटर नहीं ऐड करूंगी मैं, थोड़ा सा दही ऐड कर दूंगी बिल्कुल ही थोड़ा सा। मसाला मेरा पक गया, अब मैं दही ऐड कर दूंगी और गैस को पहले छोटा कर दूंगी, उसके बाद थोड़ा सा दही मैं ऐड कर दूंगी। गैस बड़ा रखने से दही फट जाने का चांस है, तो इसलिए मैं छोटा करके थोड़ा सा मैं ग्रेवी के साथ दही को मिला लूंगी। और इस साइड में मैं बना रही हूँ लस्सी बच्चों के लिए, मतलब मैं भी पीऊंगी। तो ये मेरा होममेड दही है, आप लोग जानते हैं कि मैं घर में ही दही जमाती हूँ, तो ये दही है। आज बहुत दही रह गया था तो मैंने सोचा लस्सी बना देती हूँ, घर में भी है तो बच्चे थोड़ा एंजॉय भी करेंगे लस्सी को। तो चलिए, तो पहले मैं इसमें डाल दूंगी शुगर, और ये ठंडी वाली लस्सी नहीं है, मैं बर्फ नहीं डालूंगी क्योंकि प्रियांशु खाएगा। तो शुगर डाल दिया, उसके साथ मैं डालूंगी ये सॉल्ट, ये बीट नून है वही मैं डाल दूंगा। अब इसे अच्छी तरह से मिला लूंगी, मिलाने के बाद ऊपर से मैं ब्लैक पेपर डाल दूंगी, पहले मिला लूंगी उसके बाद मैं पानी ऐड कर दूंगी। मैं हाथ से ही बनाती हूँ, मिक्सी में नहीं डालती हूँ, मैं हाथ से ही इस तरह से बना लेती हूँ मैं लस्सी। देखिए कितने अच्छी तरह से मिल गया है पानी के साथ, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ लस्सी। ज्यादा मतलब ठीक नहीं बनाती हूँ, बच्चे पसंद नहीं करते हैं, तब मैं दे देती हूँ सबको। प्रियांशु एनो लस्सी
लस्सी और प्रियांशु ब्लैक पेपर नहीं खाता है ना लस्सी टिकट आस्ते 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 पड़े जावे बाबा ही नहीं और ये मेरा मैं यहाँ पे साफ कर लेती हूँ मैं तो भाई बर्फ डाल के पीऊंगी तो पहले इधर मैं पानी ऐड कर देती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रखूंगी मैं डाल दूंगी एक आइस क्यूब बहुत टेस्टी बना है तो फ्रेंड्स मैं लस्सी वस्सी पी के एकदम थोड़ा एनर्जी लेके मैं आ गई हूँ अगेन कुकिंग करने के लिए प्रियांशु शोर मचा रहा है तो मैं यहाँ पे ये है आज जो फिश का ऑयल लाया था माछे का तेल उसके साथ एक रेसिपी बनाऊंगी तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऑनियन और ग्रीन चिली को कट करके लिया तो इसे मैं मिला लूंगी इसमें उसके बाद मैं डाल दूंगी टर्मरिक पाउडर ठीक है चलेगा सॉल्ट और लास्ट बेसन तो मैं बेसन डाल दूंगी इसके अंदर ज्यादा नहीं मैं 3 टेबल स्पून डाला बेसन एक्चुअली नहीं 4 टेबल स्पून अराउंड मैंने डाला अब मैं अच्छी तरह से मिला लूंगी बेसन को इस फिश ऑयल के साथ यहाँ पे मेरा फिश करी कम माछे छोल हो गया है रेडी अब मैं फिश डाल दूंगी इसके अंदर अब मैं ये जो फिश का ऑयल है इसके साथ मैं पकोड़े बना लूंगी इस पकौड़े को फ्राई करने के वक्त थोड़ा सावधानी से रहना पड़ेगा क्योंकि फिश ऑयल को फ्राई करने के टाइम ये ऑयल जो है वो फूटता है बहुत और ऑयल एकदम बाहर छिड़क के आ जाता है कढ़ाई से तो इसीलिए थोड़ा सा सावधानी से रहना पड़ेगा इसीलिए मैं दूर आ गई हूँ तो रेडी मेरा लंच बनाना सारा कुकिंग मेरा कंप्लीट अब मैं शावर ले लूंगी और उसके बाद हम लोग करेंगे लंच तो चलिए एक झलक मैं दिखा देती हूँ आज मैं क्या क्या बनाई हूँ तो सबसे पहले तो ये फिश ऑयल के साथ पकोड़ा और ये सलाद सलाद मेरे हस्बैंड ने बनाया और यहाँ पे ये है पुई शाक फिश हेड के साथ पुई शाक ये एक बंगाली रेसिपी है जो बहुत टेस्टी बनता है और यहाँ पे है राइस राइस तो बनेगा ही बंगाली लंच में अगर राइस नहीं बनाऊंगी तो लंच पूरा नहीं होता तो ये है राइस और यहाँ पे है फिश करी ये भी बंगाली स्टाइल फिश करी वेजिटेबल के साथ बहुत ही डिलीशियस एक टेस्टी फिश करी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में तो आज का मेरा लंच बनाना कंप्लीट
फ्रेंड्स लंच करके मैं बैठ गई हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए और मेरे हस्बैंड आज घर में हैं। हस्बैंड ट्रीना एंड प्रियांशु सब लोग सो रहा है तो मैं बैठ गई हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए। और इस जगह पे मुझे बहुत चैन मिलता है, एक सुकून मिलता है, तो मैं यहाँ पर ही बैठ गई हूँ। और अभी उतना धूप भी नहीं है, हवा आ रहा है बहुत, तो मैं चैन से यहाँ पे बैठ गई हूँ। मैं बहुत टाइम से यहाँ पे बैठी हुई हूँ तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बातें भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ और इस ब्लॉग को एंड करना भी है। तो आज मैं आप लोगों से शेयर किया मेरा संडे का लंच रूटीन, एकदम बंगाली स्टाइल लंच रूटीन मैं शेयर किया। हम लोग तो बंगाली हैं तो बंगाली स्टाइल का खाना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो वही रूटीन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर किया। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगे तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए यार, आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और आप लोगों के बहुत सारा ऐसा कमेंट आ रहा है जैसे कि मेरा बच्चों का जो स्टडी रूटीन होता है वो शेयर करने के लिए, मेरा डेली पूजा रूटीन शेयर करने के लिए, तो मैं सब कुछ शेयर करूँगी। थोड़ा टाइम लगेगा पर मैं शेयर ज़रूर करूँगी। ऐसा नहीं कि आप लोग मुझे बोल रहे हो और मैं शेयर नहीं करूँगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप लोग मेरे साथ हो तो उसकी वजह से मैं भी हूँ, है ना। तो इस तरह से आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। तो जब भी मुझे काम से थोड़ा फुर्सत मिल जाता है या कोई काम वाम नहीं रहता है तो मैं यहाँ पे आके बैठती हूँ, थोड़ी देर अपने आप में मैं खोई रहती हूँ, यही मुझे अच्छा लगता है। तो यही, तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है। तो यही, तो चलिए आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सब लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए और मेरे ब्लॉग के साथ रहिए। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ये बिल्कुल फ्री है। सो मैं आप सबसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।